अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। रात से मेरे को बहुत ही ज़्यादा उल्टी हो रहा है और अभी टैबलेट खा के मैं थोड़ा सा लेटी हुई हूँ। गाइस, आज तो मेरा रोज़ा टूट गया क्योंकि अचानक से मेरा आज तबीयत ख़राब हो गया। तो गाइस, मैं टैबलेट खाई हूँ, देखते हैं टैबलेट में अगर ठीक हो जाएगा तो। और इधर मेरी नानी चावल का तिलौरी बना रही है और पापड़। गाइस, कल मेरे नाना पूरा आलू को खेत में से खोद के ले आए हैं। ये देखिए गाइस, कितना ज़्यादा आलू हुआ था इस बार। आज मामी लोग आलू का चिप्स सभी लोग बना रहे हैं, तो आज मैं सोच रही हूँ कि फिर से मैं आलू चिप्स बनाऊँ मसाला वाला। तो चलिए गाइस, बड़ा बड़ा आलू छाट लेते हैं एक बाल्टी में, फिर उसके बाद आलू चिप्स बनाएंगे। गाइस, उस बार जो मैं आलू चिप्स बनाई थी वो अच्छे से सूख गया है और थोड़ा सा हो गया है सूख के। तो गाइस, घर का आलू है तो हम लोग सोच रहे हैं कि बना लेते हैं, ज़्यादा साल भर खाएंगे। वैसे भी आलू का चिप्स खराब नहीं होता है, सुखा के मस्ते घर में रख दो। गाइस, इधर मेरी बड़ी मामी भी आ गई है आलू लेने के लिए। मेरी छोटी मामी तो सुबह ही आलू को पानी में रख दी है क्योंकि आलू में बहुत ज्यादा मिट्टी चिपका हुआ है। तो चलिए, मैं अभी आलू को अच्छे से धो लेती हूँ। इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इसमें मिट्टी है। लहसुन और प्याज को बहुत दिन हो गया है देखने के लिए नहीं गई हूँ, कल जाऊंगी देखने के लिए कितना बड़ा बड़ा हुआ है। गाइस, इधर मेरी बड़ी मामी भी आ गई है आलू को धोने के लिए, और इधर मेरी अम्मी पानी को गर्म कर रही है आलू को उबालने के लिए। अभी तो टाइम लगेगा आलू चिप्स काटने के लिए, इधर पानी अच्छे से उबलते रहेगा। आंगन में तो बहुत ही ज्यादा धूप किया है, बड़ी मामी के यहाँ चलते हैं, वहीं पे छाया में बैठ के आलू चिप्स काटेंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ पास अच्छा छाया है, यहीं पास बैठते हैं। देखते हैं आज तीनों में से कौन आलू का चिप्स जल्दी कट करता है। गाइस, उस बार जो मैं आलू चिप्स बनाई थी उसके बाद दो तीन दिन से बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब कर दिया था। आज तो बहुत ही अच्छा धूप है, बस मौसम ना ख़राब हो तभी तो ये आलू चिप्स अच्छे से सूखेंगे। गाइस, मैं और मेरी अम्मी बारी बारी से कट कर रहे हैं आलू चिप्स को। गाइस, एक घंटा लग गया इसको कट करने में। अब चलिए घर के पास ले जा के आलू चिप्स को अच्छे से धो देते हैं पानी में। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है आलू, मस्त पतला पतला कट हुआ है। इसको पानी में अच्छे से धो लेते हैं दो तीन बार। गाइस, ये देखिए पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है और हम लोग आलू को भी अच्छे से धो चुके हैं। अब चलिए खोलते हुए पानी में आलू को डाल देते हैं। पानी में स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिए हैं, उस बार तो नमक थोड़ा कम हो गया था। गाइस, इसको हल्का ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अगर ज़्यादा पक जाएगा फिर उसके बाद टूट जाएगा। तो ये अच्छे से पक गया है हल्का हल्का, अब इसको निकाल लेते हैं। गाइस, मेरा सर दर्द कर रहा है तो मेरी अम्मी ही बना रही है आलू चिप्स को। अम्मी आलू चिप्स को निकाल के रख दी है और मेरी अम्मी इधर मेरा मालिश कर दे रही है क्योंकि मेरा सर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। गाइस, आलू का पानी अच्छे से सोख दिया है और आलू चिप्स में डालने के लिए मैं कुछ मसाला रेडी की थी, तो अब इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गाइस, मसाला को डाल के मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद धूप में सुखा देंगे। गाइस, इसमें मिक्स करने तो नहीं बन रहा है क्योंकि आलू ज़्यादा है, तो चलिए बाहर जहाँ पर हम लोग सुखाएंगे वहीं ले चलते हैं। गाइस, ये देखिए हमारे घर के पास जो आम का पेड़ है उसमें कितना छोटा छोटा आम फला हुआ है। तो चलिए गाइस, नानी का जो साड़ी है इसको भी अच्छे से बिछा लेते हैं, फिर उसके बाद मिक्स करेंगे। अम्मी से अकेले नहीं बनता इसलिए मैं भी आ गई। आज तो बहुत ही तेज़ धूप किया है गाइस, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है। दो दिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था, अचानक से गर्मी बढ़ गया। चलो बढ़िया है, आलू चिप्स तो अच्छे से सूख जाएगा, तो अब इसको पतला पतला अच्छे से फैला देते हैं। और गाइस, अभी मेरे अबू कॉल किए थे, बोल रहे थे कि तैयार रहना, अभी जाएंगे डॉक्टर के पास जब मैं आ जाऊँगा तो। और घर में गैस टंकी भी ख़त्म हो गया है ना, तो जल्दी ही आ रहे हैं लेकर। मेरे अबू गैस टंकी लेके आ गए हैं, गैस हम लोग के घर में ख़त्म हो गया था तो मेरे अबू जल्दी ही लेके आ गए हैं गैस टंकी को, और मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तो अब मेरे को मेरे अबू लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। गाइस, डॉक्टर ने बोला कि मौसम की वजह से तुम्हारा तबीयत खराब हो गया है, बॉटल चढ़ाना पड़ेगा। गाइस, मेरे नस में सुई को डाले तो बहुत दर्द हुआ।
गैस डॉक्टर बोले कल भी तुमको बोतल और इंजेक्शन लगेगा। गैस मैं मेडिकल से अपने लिए दवा ले चुकी हूँ और यहाँ से चलिए गन्ना का जूस ले लेते हैं और मछली ले लेते हैं। भैया बोले थे आते समय गन्ना का जूस ले आना, इफ्तारी के टाइम पीऊंगा। तो चलिए जल्दी से गन्ना का जूस निकलवाते हैं, फिर उसके बाद मछली भी लेना है। गैस मछली का भी दुकान बगल में ही है, तो गन्ना का जूस को मैं प्लास्टिक में पैक करवा ली हूँ। तो चलिए गैस अब रेहू मछली जल्दी से कट करवाते हैं। आज फिश करी बनाऊंगी मैं घर जाकर। बॉटल और इंजेक्शन लगा है तो अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, और वहीं पर मैं दवाई भी खाई थी डॉक्टर बोले थे खाने के लिए। तो गैस मछली कट हो चुका है, अब चलिए लेते हैं और पैसा देते हैं। बहुत लेट भी हो गया है, ज़्यादा लेट तो डॉक्टर के पास हो गया। गैस मैं डॉक्टर के पास से आ चुकी हूँ और अभी मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, और जो मैं मछली लेके आई थी उसको जा रही हूँ बनाने के लिए। अब मैं जा रही हूँ, सबसे पहले धो लेती हूँ मछली को अच्छे से। और इधर देखिए गैस आज रोशनी मेरे घर में सोई है। गैस ये देखिए जब हम लोग आलू चिप्स बना रहे थे तो रोशनी का उंगली कट गया था, रोशनी अभी सो रही है। चलिए अब मैं चलती हूँ मछली को धोने के लिए। फिश करी घर में हम सबका फेवरेट है। तो गैस मैं मछली को अच्छे से धो चुकी हूँ, चलिए तलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मछली में हल्दी और नींबू को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर उसके बाद छानना स्टार्ट करेंगे। मैं कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए रख दी हूँ। आज तो मैं इफ्तारी में कुछ नहीं बना रही हूँ, बस फिश करी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, मेरा आज तबीयत भी खराब है। ये देखिए मछली अच्छे से तला चुका है, अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो मेरी अम्मी मसाला को पीस के रख दी थी, तो मैं मसाला को डाल के अच्छे से भूंज लेती हूँ, और मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी और कटा हुआ टमाटर को भी डाल के और नमक को डाल के अच्छे से भूंज लूंगी। टमाटर मैं ज़्यादा ही डालती हूँ मछली में। गैस मसाला अच्छे से भुंजा चुका है, अब चलिए मछली को डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मैं पका लूंगी। गैस खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है फिश करी में से। चलिए अब इसमें मैं धनिया पत्ती कट करके डाल देती हूँ। गैस घर में सभी लोग रोजा खोल चुके हैं और अब खाना खाने का टाइम हो गया है, रात का 9 बज रहा है। हम लोग इधर मेरी अम्मी खाना निकाल रही है, खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद मेरे को दवा भी खाना है और अभी लाइट भी चला गया है। गाइस मेरे भैया और मेरे अब्बू गए हैं तरावी पढ़ने के लिए, इन लोग आके खाएंगे खाना। तो चलिए गाइस अब बिस्मिल्लाह करते हैं। फिश करी तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है, वाओ। सो गाइस मैं खाना खा चुकी हूँ और मैं अपना दवा भी खा ली हूँ, और मेरे को बहुत तेज नींद आ रहा है, तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और गाइस आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।